नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। बैकुंठ द्वार से दिए रंगनाथ भगवान ने दर्शन। साल में एक बार खुलता है बैकुंठ द्वार। झांसी के 2 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी। पानी का घड़ा लिए 3 घंटे लाइन में खड़े रहते थे लोग। सीतापुर में पुलिस का नए साल पर जीटी में टोटका। 2023 के पहले मुकदमे में 117 अपराधियों के खिलाफ केस। बरेली में गौ तस्करों से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। कानपुर में कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट रद्द। यात्री नहीं होने से खड़ी रही 39 बसें। सहारनपुर में 5 जनवरी तक नहीं खुलेंगे स्कूल। शीतलहर और कोहरे के कारण डीएम ने दिए आदेश। आजमगढ़ में नहर में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव। आसपास के बाजारों में टहलते देखा गया था। अंगीठी जलाकर सोए पूरे परिवार की मौत। मेरठ में नए साल का बड़ा हादसा। पति पत्नी सहित 4 साल की बच्ची भी नहीं बची। हाथरस में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। ट्रैक्टर से टकराई बोलेरो। वृंदावन से लौट रहे थे लोग। वाराणसी में घर में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। सारनाथ में 6-7 बदमाशों ने मचाया आतंक। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव। कल शाम से लापता थी कक्षा 8वीं की छात्रा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बच्चे ने पुलिस को अपहरण की दी झूठी खबर। टीवी पर सीरियल देखकर आया आइडिया। चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ा। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद। शीतलहर और कोहरे की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं। फतेहपुर में नववर्ष पर 180 गाड़ियों का काटा चालान। 5 चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महोबा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में न्यू ईयर की पार्टी। हुड़दंग मचाकर हुई आतिशबाजी। अंबेडकर नगर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। लकड़ी के बने बेड। मुजफ्फरनगर में 9 साल से फरार हत्यारोपी गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। कोहरे के कारण पुलिसकर्मियों की बाइक पेड़ से टकराई। भीषण सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत। एक्सप्रेसवे पर मिली सिर कुचली लड़की की लाश। उम्र 35 के आसपास। शरीर पर टायर की रगड़ के निशान। नववर्ष में पर्यटकों से गुलजार हो रहा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। नए साल पर काफी संख्या में पहुंचे पर्यटक।
बदायूं में सातवीं की छात्रा से रेप, भागवत कथा सुनकर लौट रही थी, रास्ते में नाबालिग लड़के ने खेत में घसीट कर की दरिंदगी। देवरिया में सिपाही की पीट पीट कर हत्या, चुनावी रंजिश को लेकर चल रहा था विवाद, नया साल मनाने आया था घर। बिजनौर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर में पंखे से लटका मिला शव। बहराइच में शीतलहर से ठंड में और हुआ इजाफा, न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री किया गया दर्ज, छाया रहा घना कोहरा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले शामली पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन, बीजेपी पर हमला बोला। अत्यधिक ठंड के कारण आगरा में 2 दिन का अवकाश, जिलाधिकारी ने दिया सोमवार मंगलवार स्कूल बंद करने का आदेश। अलीगढ़ में अचानक लगी आग से किसानों का हजारों रुपए का हुआ नुकसान। कानपुर पुलिस ने मास्क लदे पकड़े 3 ट्रक, हरियाणा से बंगाल गाजीपुर जा रहे थे ट्रक। अलीगढ़ में बाइक सवार को अनियंत्रित रोडवेज बस ने रौंदा, दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। मेरठ में बाबा मनोहर नाथ मंदिर में पुलिस के सामने तोड़फोड़ और पथराव की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। अलीगढ़ में जैन धर्म के सिद्ध धाम समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित पर विरोध। अमरोहा में सड़क पर उतरे नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, अधिकारी ने डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बेघर लोगों को रैन बसेरे में भेजा। औरैया में ट्रेन की चपेट में आने से युवक और किशोरी की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवरिया में प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में बच्चों को रणधीर दुबे ने सिखाया योग। औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर पलटा ट्रैक्टर पलटने से 5 लोग हुए घायल। हरदोई का थप्पड़बाज कोतवाल, इंसाफ मांगने आए पीड़ित को जड़ा थप्पड़, नाले के किनारे जा गिरा पीड़ित। कुशीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ नववर्ष मेला, सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की चहल पहल। रायबरेली में तलवार से केक काटने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जगतपुर थाना क्षेत्र के हरपुर हल्ला गांव का है वीडियो। लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे बाघ की मस्ती, शाहजहांपुर जाने वाले सड़क किनारे बाघ की मस्ती का वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में 1 बाइक सवार युवक की हुई मौत। मैनपुरी में नववर्ष के शुभ अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का किया गया आयोजन।
रायबरेली में 25 वर्षीय अज्ञात युवती का शव कुएं से बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। नववर्ष के प्रथम दिन पर प्रयागराज शकुंतला हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। संबल में 3 थानों को जोड़कर नए सीओ ऑफिस का किया गया उद्घाटन। गोंडा में ओबीसी आरक्षण को लेकर आपके जिला अध्यक्ष दिग्गज पांडे ने सरकार पर कसा तंज। कानपुर में फर्जी दवा बनाकर बेचने वालों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। पुलिस ने 8 लोगों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी। राजधानी लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। कानपुर में नशेबाज ने दुकानदार को दिखाई दबंगई। नशेबाज हाथ में रिवॉल्वर लेकर दुकानदार को रौब दिखाते हुए वीडियो वायरल। मदरसा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। मदरसों में भी शुरू होगी प्राइमरी। जल्द ही मदरसों में एलकेजी यूकेजी की कक्षाएं शुरू होंगी। मेरठ में कुख्यात सनी ककरान और उनके गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई। हत्या और अन्य संगीन वारदातों को अंजाम देने का काम करता था सनी। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी का तांडव। अग्रवाल प्लाजा के सामने जमकर चले लाठी डंडे और गाली गलौज। वीडियो हुआ वायरल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा आमंत्रित करने पर राहुल गांधी को किया धन्यवाद। कौशाम्बी में 3 साल से डीपीओ कर रहा था छेड़छाड़। पीड़िता बोली डीएम तक से शिकायत की, किसी ने नहीं सुना। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जेलर को धमकी देने से जुड़ी सजा पर अंतरिम रोक। यूपी सरकार को नोटिस। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ लामबंद होकर किया प्रदर्शन। कोरोना पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। बोले टेस्टिंग बढ़ाएं, विदेश से आने वालों पर रखें निगरानी। बदायूं में सर्विलांस टीम ने बरामद किए 120 मोबाइल। 25 लाख बताई जा रही कीमत। एसएसपी ने मालिकों को लौटाया। कन्नौज में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल। खेत की पैमाइश के लिए किसान से लिए 5500 रुपए। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से जानलेवा केंद्र में लगी आग। नकदी समेत लाखों का सामान जलकर स्वाहा। बागपत में बैंकों और एटीएम में चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों से की पूछताछ। आगरा दिल्ली हाईवे पर शव को रौंदते रहे वाहन। सड़क पर चिपकी हड्डियों को फावड़े से खुरच कर पुलिस ने बटोरा। पीलीभीत में नाबालिग छात्रा को भगा ले गया पड़ोसी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दोनों की तलाश शुरू।
प्रतापगढ़ में बांस के टूटे पुल से निकली अंतिम यात्रा। 7 सालों से ग्रामीण झेल रहे रास्ते की समस्या। 4000 लोग रोज निकलते हैं। फतेहपुर में युवक ने नाबालिग का किया अपहरण। शादी करने से इनकार करने पर की दी वारदात। परिजनों की एसपी से न्याय की गुहार। शाहजहांपुर जेल में नए साल का मना रहे जश्न। बंदियों ने ली शपथ। जेल में शांतिपूर्ण और छूटने के बाद अपराध से रहेंगे दूर। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस 150 कार्यकर्ता रवाना। लोनीबाट पर राहुल को देंगे हनुमानगढ़ी का माला प्रसाद। ललितपुर में मकान में चोरी करने घुसे युवक को पकड़ा। कमरे में बंद कर लोगों ने बुलाई पुलिस। चोर ने काटा हाथ। हमीरपुर सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों का डांस ड्यूटी संभालने के साथ ही मनाए नए साल का जश्न। मरीज व तीमारदार भी हुए खुश। फरुखाबाद में चोरों ने 3 लाख की नगदी सहित जेवरात किए पार। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। चोरों ने किया पथराव। शाहजहांपुर में लेखपाल ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया। ग्रामीणों ने दी एफआईआर कराने की धमकी। बुलंदशहर में ड्रोन कैमरों से की जा रही है कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी। तीन महीने पहले आईजी पद से रिटायर्ड हुए कविंद्र प्रताप सिंह बने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष। इंदौर में केंद्रीय समिति की बैठक ने किया ऐलान। कासगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधेड़ की सड़क हादसे में मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। लोनी बॉर्डर पुलिस व अधिकारी ने लिया बॉर्डर का जायजा। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। पड़ोसी के खेत में लगे कटीले तारों से प्रवाहित था करंट। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।